हेमा मालिनी ने देखा था ईशा को बच्चन बहू बनाने का सपना। बेटी की शादी अभिषेक बच्चन से करवाना चाहती थी हेमा, लेकिन ईशा ने कर दिया था अभिषेक संग शादी करने से इनकार। तो विवेक ओबेरॉय से भी शादी के लिए ईशा नहीं हुई थी तैयार। जी हाँ, अगर ईशा देओल ने हामी भरी होती और माँ की ख्वाहिश पर अपनी रजामंदी दी होती तो आज ऐश्वर्या राय नहीं बल्कि ही मैन धर्मेंद्र और हेमा की बड़ी लाडली ईशा देओल बच्चन बहू होती। अब ये खबर तो किसी से छिपी नहीं रही है कि बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल और पॉलिटिशियन हेमा मालिनी की बड़ी बेटी ईशा देओल अपनी टूटती शादी की खबरों की वजह से सुर्खियों में छाई हुई हैं। भले ही हेमा मालिनी, ईशा या फिर भरत तख्तानी की तरफ से इन खबरों पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान ना आया हो, लेकिन इन सबके बीच उनकी शादीशुदा जिंदगी को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ईशा देओल अपने पति से अलग हो गई हैं। दोनों अब साथ नहीं रहते हैं। ईशा पति भरत का घर छोड़कर अपने मायके में माँ हेमा मालिनी के साथ रह रही हैं। लंबे वक्त से ईशा और भरत साथ भी नहीं दिखे हैं, जिसकी वजह से इन खबरों को और भी ज्यादा जोर मिला है। तो वहीं हेमा धर्मेंद्र की बेटी दामाद के तलाक और अलगाव की शॉकिंग खबरों के बीच अब चर्चा बटोर रहा है वो किस्सा, जब हेमा मालिनी अपनी बड़ी बेटी ईशा की शादी बच्चन परिवार में करवाना चाहती थी। जी हाँ, अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन से बेटी ईशा की शादी करवाना चाहती थी हेमा, लेकिन इस रिश्ते से खुद ईशा ने साफ इनकार कर दिया था। क्या है ये दिलचस्प किस्सा, इसके बारे में हम आपको इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। दरअसल अभिषेक बच्चन जैसा दामाद पाने की अपनी ख्वाहिश का खुलासा खुद हेमा मालिनी ने करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में किया था। इसके बाद जब एक इंटरव्यू में ईशा से हेमा की इस इच्छा के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। ईशा ने कहा था कि वो अपनी मां की ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती हैं। तब ईशा ने अभिषेक से शादी करने के सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि मेरी मां सच में बहुत प्यारी हैं। उन्होंने अभिषेक का नाम लिया क्योंकि इस समय वह मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं। वे चाहती हैं कि मैं किसी अच्छे इंसान के साथ अपना घर बसाऊं और ऐसे में उन्हें अभिषेक बच्चन ही सबसे बेस्ट लगते हैं, लेकिन मैं अभिषेक बच्चन से शादी नहीं करना चाहती। ईशा ने अपने इस इनकार की वजह भी बताई थी जो कि बेहद शॉकिंग थी। ईशा ने कहा था कि क्योंकि मैं उन्हें अपने बड़े भाई की तरह मानती हूँ, इसलिए माफ करना माँ। वैसे आपको बता दें कि हेमा के परफेक्ट दामाद वाली छवि में विवेक ओबेरॉय भी फिट बैठे थे, लेकिन ईशा ने ये कहकर इस रिश्ते से मना कर दिया था कि विवेक बिल्कुल भी उनकी पसंद पर खरे नहीं उतरते हैं। विवेक ओबेरॉय के लिए अपनी राय बताते हुए ईशा ने कहा था कि माँ भी पता नहीं क्या क्या सोचती है, विवेक तो बिल्कुल भी नहीं, वो मेरे टाइप के नहीं है। किसी बॉलीवुड स्टार को हमसफर बनाने की बजाय ईशा ने अपने कॉलेज फ्रेंड और बिजनेसमैन भरत तख्तानी के साथ 11 साल पहले शादी की थी। हालांकि अब इस शादी में दरार की खबरों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।